गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से अपना एडवर्ड कैंपेन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये आपके गूगल एडवर्ड अकाउंट के डैशबोर्ड का है, जहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने जो ये वीडियो बनाई है, उसमें कुछ जूम करके बनाया है, ताकि आप उसे अच्छे से देख और समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और टाइप करते हैं सबसे पहले यहाँ गूगल एडवर्ड लॉगिन। साइन इन, ठीक है। यहां जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, गूगल एडवर्ड पर, और आप अगर आप साइन इन हैं तो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, व अदरवाइज आपको साइन इन करना पड़ेगा अपनी ईमेल और पासवर्ड डालकर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने एडवर्ड मैनेजमेंट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि ऑल कैंपेन, और ये कैंपेन के यहाँ पर कौन कौन से कैंपेन हमने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर वो कैंपेन शो होते हैं इस जगह पर कि क्या कैंपेन बनाए हैं और किस तरह से वो कैंपेन पर हमने क्या डेली बजट सेट किया हुआ है। अभी बाकी मैंने सारे कैंपेन पोस्ट किए हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर डेमो दे सकूँ, उसके बाद मैं इसको रीएक्टिव करूँगा। बाकी आपको यहाँ पर ये जो टैब दिखाई दे रहे हैं, ये ऐड ग्रुप के लिए, ये यहाँ पर सेटिंग है कैंपेन की सेटिंग करने के लिए, ये ऐड क्रिएट करने के लिए होता है, ये ऐड एक्सटेंशन है, साथ में यहाँ पर वीडियो ऐड अगर आप चलाते हैं तो वो उनका आएगा, यहाँ कीवर्ड्स आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी ऑडियंसेज है जो आपको वेबसाइट पर किस तरह से कहाँ से आ रही है ये पता चलता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बाद में बात करूँगा, फिलहाल हमें बात करनी है कैंपेन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है, इस पर रेड पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ही कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे जो बताएगा कि सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सिलेक्ट आपको कैंपेन स्टार्ट करना है, या सर्च नेटवर्क ओनली है, या फिर डिस्प्ले नेटवर्क ओनली है, या शॉपिंग एड बनाना है आपको, या वीडियो एड क्रिएट करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने ये चूज़ करना है जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है, या अगर आपने कोई ऐप बनाई है तो आप ऐप के लिए भी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, मेरा जो मोस्ट फेवरेट है उसमें यहाँ पर ये है सर्च नेटवर्क ओनली, ये मुझे बहुत सूट करता है और मैं हमेशा इसी पर ही अपना ऐड क्रिएट करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी सर्च नेटवर्क ओनली के साथ। इस पेज पर आने के बाद आपसे ये पूछता है, आप अपने कैंपेन को क्या नाम देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पर आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वाटर कलर पेंटिंग का एक कैंपेन बनाना चाहता हूँ, तो वाटर कलर मैं आपको यहाँ पर नाम दूंगा, वाटर कलर पेंटिंग। अब यहाँ पर ये जो मैंने वहाँ चूज़ किया है, यहाँ पर आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं आप जो भी चाहें, लेकिन मैं यहाँ नहीं बदलूँगा, मुझे यहाँ पर सर्च नेटवर्क ओनली रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये कीवर्ड टारगेटेड टेक्स्ट ऐड, तो ये मुझे ये कीवर्ड टारगेटेड ही पसंद है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड वाला रखूँगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑल फीचर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि नेटवर्क क्या रहेगा आपका, तो वही सेम बात है जो मैंने बताया आपको कि गूगल नेटवर्क सर्च नेटवर्क पर रहेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये ऑप्शनल है, कि अगर आप सर्च पार्टनर पे भी रन करना चाहते हैं अपने ऐड को तो ये सर्च पार्टनर पे भी दिखाई जाएगा, लेकिन मैं इसे अनटिक करूँगा। आगे ये पूछ रहा है कि डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, तो ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट कि ऑल डिवाइसेस पे आपका ये ऐड दिखाया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी हो। यहाँ पर ये लोकेशन पूछ रहा है, आप चाहें तो ऑल कंट्री कर सकते हैं, इंडिया बाय डिफॉल्ट आया है, आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर अगर सिटी में करना चाहते हैं अपने ऐड को प्रमोट, तो यहाँ पर आप लेट मी चूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद से यहाँ पर कोई भी सिटी भर सकते हैं, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर, जो भी आपके हो, लेकिन हम इंडिया रहने देते हैं। ये बाद में भी सेटिंग चेंज की जा सकती है जब आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप चलाना चाहते हैं अपने ऐड में। तो यहाँ पर आप जो आपका कैंपेन है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं अपने इस कैंपेन की इंग्लिश ही लैंग्वेज रहने दूंगा। ये बिड स्ट्रेटजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये ऑटोमेटिक जो मोड होता है इसमें आपको गूगल अपने आप चार्ज करता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी कीवर्ड की बिड 20 रुपये है, तो आपका ऐड टॉप पर दिखाने के लिए जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो 20 से उसकी बिड को अपने बढ़ा के 25 भी कर सकते हैं, तो ऐड उनका ऑटोमेटिकली टॉप पर चला जाएगा और आपका मतलब उसके नीचे आएगा। तो आप जानते हैं कि ऐड पर क्लिक तभी किया जाता है जिसका ऐड सबसे ऊपर होता है, जो उम्मीद होती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने अपने कीवर्ड को अपने हेडलाइन जो आपने ऐड क्रिएट करेंगे उससे कितना मैच करते हो रखा है। अगर सर्च टर्म आपका सेम है, उस तरह से है, तो जरूरी नहीं है कि उसका ऐड ऊपर होगा। आपका कम बिट होते हुए भी आपका ऐड टॉप पर हो सकता है अगर आपके सर्च टर्म से मैच करते हुए कीवर्ड हैं और उसके मिलते हुए टाइटल है आपके ऐड के। तो यहाँ पर देखिए, अब ये बहुत कॉस्टली हो जाता है क्योंकि बिड है ना अप एंड डाउन होती रहती है। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर पसंद करता हूँ जाना मैनुअल सीपीसी के साथ। इसमें आप पर टोटल कंट्रोल होता है कि आप कितनी बिट रखना चाहते हैं अपने एक कीवर्ड की। आपको गूगल उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। फिर तो मैं मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है डिफॉल्ट बिड आपकी क्या रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 10, 15, 18, 20, जो भी रखना चाहें आप। मान लीजिए वाटर कलर कीवर्ड की कीमत अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ 10 रुपीज़ कर देता हूँ, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर 12 भी कर सकता हूँ। गूगल मुझे 12 से या 10 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। जो भी आप यहाँ डालेंगे उससे ज़्यादा गूगल चार्ज नहीं करेगा, आप ये बात याद रखें। और उसके बाद अपना डेली का बजट सेट करना है आपको। यहाँ पर आप डेली बजट जो भी रखना चाहते हैं, आपका मान लीजिए 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, जो भी आप डेली बजट सेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो बजट सेट कर दें। मान लीजिए मैं 200 अपना डेली बजट सेट करता हूँ इस कैंपेन के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये एनहेंस सीपीसी है जो इनेबल, इसको हम यहाँ पर हटाएंगे क्योंकि गूगल जो है ना वरना आपसे उससे ज़्यादा चार्ज कर लेगा कन्वर्जन देने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ से अनटिक करूँगा इसे। बाकी अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने आ गया है एक्सटेंशंस, एड एक्सटेंशंस। ये एड एक्सटेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके एड को बेटर रैंकिंग कराने के लिए। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जब आप कैंपेन क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप अपने एड एक्सटेंशन को ज़रूर सेट कर लें। साइट लिंक दें अपनी वेबसाइट के अंदर के लिंक जो होते हैं, या अपना फोन नंबर दें इसके अंदर, या आप बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। बाकी अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। क्रिएट एड ग्रुप। अब आप वाटर कलर पेंटिंग जो कैंपेन है उसमें कोई एड ग्रुप जो देना चाहेंगे उसका नाम भी यहाँ दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एंटर योर लैंडिंग पेज, किस पेज पे अपने विजिटर को लैंड कराना चाहते हैं, यहाँ पर उसका हमें यूआरएल देना है। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा वाटर कलर लैंडिंग पेज है वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि एड ग्रुप बताएगा। ये एड ग्रुप के लिए आपको यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे आप पेपर पेंटिंग दे दीजिए, इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर पेपर पेंटिंग दे देता हूँ। और देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर कीवर्ड का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पर आप मैनुअली अपने कीवर्ड खुद सेट कर सकते हैं, या देखिए जैसे हमने वेबसाइट का अपना नाम डाला था तो गेट कीवर्ड आइडिया, इस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल अपने आप आपको सजेशन देता है कि ये कीवर्ड इस उस पर कवर करते हैं ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 9,000 पर मंथ इसकी सर्चेज हैं गूगल पर, इसकी 1,000 है इस कीवर्ड की, और बाय पेंटिंग्स ऑनलाइन की 1,000 हर पर मंथ की इसकी सर्च होती है। बाकी वाटर कलर पेंटिंग्स की 40,000 है, तो मैं यहाँ पर 40,000 वाला कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ। और बाकी 9,000 वाला ये पेंट है, इसमें लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पेंट से मतलब क्या है, ये होम पेंट भी समझ सकते हैं उसे लोग।
ये पेंटिंग्स फॉर सेल आप चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो 2000 वाटर कलर पेंटिंग्स वाला ये भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसको चूज किया और ये यहाँ पर यहाँ आ गए। इसके अंदर आने के बाद आपको कंटिन्यू टू एड्स पर जाना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू एड्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एड क्रिएट के लिए बताया जा रहा है, क्रिएट एड्स, पेपर पेंटिंग हमारा इसका एड ग्रुप हो गया। कैंपेन का नाम है वाटर कलर पेंटिंग और कीवर्ड यहाँ पर है, वो आप यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं, लेकिन हमने वो सही पहले से ही चूज किया तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फाइनल यूआरएल, जहां पर विजिटर क्लिक करने के बाद ऐड पर जाएगा, जिस पेज पर वो लैंड होगा। तो यहाँ पर मैं वापस वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पर अपने कैम उसकी ऐड की हेडलाइन देनी है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कैंपेन का नाम है वाटर कलर पेंटिंग्स, तो आप वही सेम वर्ड यूज कीजिए जो आपने अपने कैंपेन को बनाने के लिए या कीवर्ड के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं दूंगा वॉटर कलर पेंटिंग्स, बाकी आप इसमें और वर्ड जोड़ सकते हैं, बाय ऑनलाइन। अब देखिए यहां पर ये एक कैरेक्टर फालतू हो गया है, यहां पर इसलिए रेड दिखा रहा है। हमारी कैरेक्टर लिमिट जो होती है वो 30 कैरेक्टर की होती है, तो इसलिए हम यहाँ से एस को हटा देते हैं, वॉटर कलर पेंटिंग कर देते हैं सिर्फ। और यहाँ पर हेडलाइन नंबर 2, यहाँ पर वो नंबर दे देते हैं, जैसे डेकोरेटिव डेकोरेटिव पेंटिंग्स फॉर होम, फॉर होम। ठीक है, आगे यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में 80 कैरेक्टर दे सकते हैं मैक्सिमम। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में और भी ज्यादा कुछ दे सकते हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अच्छा समझते हैं। मैं देता हूं जैसे ब्यूटीफुल रियलिस्टिक पेंटिंग्स फॉर वॉल डेकोरेशन। साथ में अगर कोई आप कुछ ऑफर कर रहे हैं जैसे 50% डिस्काउंट, वो भी यहाँ दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ये भी दे सकते हैं। या फिर आप कोई अगर मान लीजिए किसी भी अपने उसमें ईएमआई से दे रहे हैं तो आप ईएमआई भी डाल सकते हैं। मतलब जो भी आपको अच्छा लग सकता है वहां पर, जो अट्रैक्ट करे आपके विजिटर को, वो आप यहाँ पर वो वर्ड यूज करें। जैसे मान लीजिए मैं कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। अब देखिए 80 कैरेक्टर के अंदर ही आ गया है हमारा ये, यहाँ पर हमारे बल्कि 2 कैरेक्टर और बच गए अभी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है आपके ऐड का, कि मोबाइल पर ये कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, और बाकी आपका डेस्कटॉप पर कैसे दिखाई देगा, ये यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पर ये इस तरह से दिखाई देगा ये ऐड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है, क्रिएट ऐड। और यहाँ पर हम इसको चाहे तो आप इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं कैंपेन का, लेकिन हमें यहाँ पर क्लिक एंड सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये कैंपेन बन चुका है पेपर पेंटिंग्स के नाम से, ये एड ग्रुप है इसका। और बाकी देखेंगे आप ऑल कैंपेन में जाकर, तो आपको ये आपका यहाँ पर कैंपेन पे क्लिक करेंगे टैब पर, तो आपके सामने यहाँ पर ये वाटर कलर पेंटिंग भी कैंपेन बन चुका है, और इसका डेली बजट 200 है, ये एलिजिबल है। और इसका जो हमने कैंपेन टाइप किया है सर्च नेटवर्क ओनली है, और बाकी आप इस पे जब आप क्लिक होता है वो यहाँ क्लिक चेक कर सकते हैं, कितने इंप्रेशन आए यहाँ देख सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, सीटीआर वो यहाँ चेक कर सकते हैं, एवरेज सीपीसी यानी कि आपने जैसे बिड रखी है उसकी 10 रुपीज़, तो यहाँ पर बताएगा कि क्लिक करने पर आपका एड कितने कॉस्ट किया उस पर हर एक क्लिक का।
और साथ में यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे कितने क्लिक की कितनी कीमत हुई आपकी आज, और साथ में आपका एड गूगल सर्च में किस पोजीशन पे दिखाया गया है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर कोई इनवैलिड एक्टिविटी हुई है तो यहाँ पर इनवैलिड क्लिक्स आपको यहाँ बताएगा वो। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से कैंपेन स्टार्ट किया जाता है। बाकी ये जो एड ग्रुप है, सेटिंग है, एड्स है, यहाँ पर आपको मैं इस पर नई वीडियो बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम एड की वो देख सकते हैं कि हमारा एड एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो इस पर क्लिक करें। और अभी आपका कैंपेन रिव्यू में गया होगा तो इसलिए वो इतनी जल्दी अप्रूव तो नहीं हुआ होगा। आपके यहाँ पर ये ऐड दिखाएगा कितने ऐड आपने बना रखे हैं। सॉरी, हमें वाटर कलर का देखना है तो इसलिए हमें अपना कैंपेन वाटर कलर वाला चूज करना पड़ेगा। ऐड ग्रुप में जाने के बाद, ऐड ग्रुप में जाने के बाद हमें अपना पेपर पेंटिंग इसको सिलेक्ट करना है और हमें इसके एड्स को देखना है कि क्या हुआ, हमारे ऐड की अप्रूव हुआ या अभी वो इन रिव्यू है। देखिए रखा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये आपका ऐड जो है रिव्यू में है। जब आपका ऐड ये रिव्यू में गूगल पास कर देगा, वहाँ से उसे उनकी टीम होती है जो इसको देखती है कि आपका ऐड एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल है तो यहाँ पर ही आ जाएगा अप्रूव्ड। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऐड और किस तरह से बना सकते हैं, या ऐड एक्सटेंशन कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे आपको डालने चाहिए, इस पर मैं आपको नई वीडियो और दिखाऊंगा बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको आपके टाइम पर आप तक पहुंच जाए। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो बेल आइकन पर भी प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।